बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे चपली कबाब। चपली कबाब हर घर के हर फर्द को बेहद पसंद होते हैं और ईद उल अज़हा के दिनों में तो ख़ास तौर पर आप सब अपने अपने घरों में अपने अपने अंदाज से चपली कबाब ज़रूर बनाते होंगे। लेकिन मैं जब भी चपली कबाब बनाती हूँ तो हमेशा रेस्टोरेंट जैसे बनाती हूँ, उसकी रेसिपी को फॉलो करती हूँ जो कि बिल्कुल ओरिजिनल चपली कबाब जैसे बनते हैं। इनका जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार ही नहीं होता, बल्कि इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इन चपली कबाबों में सिर्फ हमारे किचन में मौजूद चंद मखसूस मसाले डाले जाते हैं। मेहनत भी कम लगती है और बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा चपली कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। हम बनाएंगे 1 किलो बीफ के चपली कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये देखिए, हमने चपली कबाब बनाने के लिए बीफ की बोटियां ली थी, उसमें हमने थोड़ी सी चिकनाई यानी कि चर्बी और 2-3 अदरक के टुकड़ों को चॉपर मशीन में बारीक पीस लिया था। आप इन्हें मटन में भी बना सकते हैं और अगर ऊँट के गोश्त में बनाएंगे तो फिर तो क्या ही बात है। ये देखिए, अदरक के साथ और चिकनाई के साथ हमने 2 बार इसको पीस लिया है और ये बहुत बारीक हो चुका है। चलिए अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून भुना पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून अनारदाना, 2 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 अदद अंडा फेंट कर शामिल करेंगे, 4 टेबलस्पून मकई का आटा जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है इन चपली कबाबों में डालने के लिए, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करेंगे और जिस तरह हम पिज़्ज़ा डो मिक्स करते हैं बिल्कुल इसी तरह तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह कीमे को मसालों में मिक्स करेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छी तरह हाथों से कीमे और मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे 10 से 12 हरी मिर्चें और 2 बड़े साइज़ की प्याज। इन दोनों चीज़ों को मोटा मोटा काट कर मिक्सिंग की प्याली में डालेंगे और बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया और ना ही बारीक पेस्ट बनाया है, इसको भी हम कीमे में शामिल कर देंगे। फिर 1 बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह पतले पतले पीसीस में काट लेंगे, चौकोर क्यूब्स नहीं काटेंगे। ये देखिए, पूरे टमाटर को हमने इस तरह पतला पतला काट लिया है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि चपली कबाबों में फ्रेश हरी मिर्चें, प्याज और फ्रेश टमाटर डाले जाते हैं और टमाटर का बिल्कुल फ्रेश और जूसी होना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दूसरी बार हमें कीमे को मिक्स करना है तो जिसके लिए हमें ग्लव्स पहनने होंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं। और फिर से एक बार कीमे को तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कम से कम 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद अब हम बनाएंगे चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। रेस्टोरेंट वालों के पास तो बड़े बड़े तवे होते हैं या कढ़ाइयाँ होती हैं जिसमें वो डायरेक्ट ही चपली कबाब का मसाला डालते हैं और अपने हाथों की मदद से उनको फैलाकर ऑयल में डालते रहते हैं। चपली कबाब बनाने के कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं। आप इस तरह आमेजे को लेकर किसी भी प्लेट के ऊपर रखकर हाथों की मदद से फैलाकर भी चपली कबाब बना सकते हैं। वैसे तो चपली कबाब घी में ज़्यादा मज़ेदार फ्राई होते हैं, लेकिन हम ऑयल में थोड़ा सा घी मिक्स करके चपली कबाब फ्राई करेंगे। बाकी के कबाबों को हम अपने हाथों पर रखकर हथेली की मदद से बनाएंगे जो कि बहुत आसान तरीका है और इस तरीके से आप जितने चाहें बड़े साइज़ के चपली कबाब बना सकते हैं। फ्लेम को हम मीडियम से थोड़ा स्लो हीट पर रखेंगे ताकि हमारे कबाब अच्छी तरह कुक हो जाएं।
ये देखिए हाथों से बनाने वाले कबाब बहुत परफेक्ट साइज के फ्राई हो रहे हैं। स्लो हीट पर जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम पलटते जाएंगे और इसी तरह हम अपने हाथों की मदद से कबाब बना बना कर ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए फ्राई होने के बाद तो बिल्कुल ओरिजिनल चपली कबाबों जैसा लुक आ रहा है। हम तमाम कबाबों को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम आखिर में फ्राई हरी मिर्चें, प्याज, लीमू और इमली की किसी भी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो देखिए ये थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की चपली कबाब की ओरिजिनल रेसिपी। देखने में जितने ज़्यादा मज़ेदार और यमी लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। घर वालों को और मेहमानों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि मैं इन्हें अपने साफ सुथरे किचन में और साफ सुथरे हाथों से बहुत प्यार से बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी हमारी आज की झटपट बनने वाली ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी। इस रेसिपी को आप जब भी ट्राई करेंगे आप मुझे याद करेंगे। तो जल्दी से जाइए रेसिपी को ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और आखिरी बात, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।